हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं कुलदीप सैनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल मिस्टर चटोरा पर, और लाया हूं आप सभी के लिए एक और ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसका कि आपको काफ़ी समय से इंतजार था, लेकिन वो इंतज़ार आज हो गया है खत्म। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको किस तरह से एडिट करके उसको और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो आज मैं स्पेशली आप सभी के लिए बना रहा हूँ और बताऊँगा आपको कि किस तरह से आप अपनी वीडियो को एडिट करके उसके बैकग्राउंड को हटाकर चेंज करकर कितना इंटरेस्टिंग आप अपनी वीडियोस को बना सकते हैं, और वो जो बैकग्राउंड्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहां से मिलने वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबको लिए चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने कितने सारे बैकग्राउंड्स को डाउनलोड करके रखा है, और ये बैकग्राउंड्स आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ये टोटली फ्री है, आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वो क्लिप जिसको कि हम एडिट करने वाले हैं, और इस क्लिप को हमने ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके रखा है। अगर आप भी इस तरह की वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आ रहे नोटिफिकेशन को क्लिक करके एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और आइए अब चलते हैं अपने वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में, क्योंकि हमें इस वीडियो का जो ग्रीन बैकग्राउंड है उसको भी तो रिप्लेस करना है ना। तो यहाँ पर हम लेंगे न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को नेम देंगे, और जो एस्पेक्ट रेशियो है वो सेलेक्ट करेंगे 16:9। यूट्यूब पे मैक्सिमम वीडियो 16:9 में हमें अपलोड करनी होती है। तो हमारी जो मेन वर्किंग विंडो है उसमें सबसे पहली रो में हम कोई वीडियो ऐड नहीं करेंगे, उसमें हमें फ़ोटोज़ को ऐड करना है। जो भी बैकग्राउंड आप देना चाहते हैं अपनी वीडियो में वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, और उसको एक्सपेंड करके आप कितना भी दूर लेके जा सकते हैं। लेकिन ये देखिए जूम इन जूम आउट हो रहा है, तो क्या करना है आपको पेंसिल पर क्लिक करना है, जहाँ से ये मेन्यू खुल जाएगा, और आप वहाँ पर पेन एंड जूम ऑप्शन में जाकर नो इफेक्ट क्लिक करके ओके कर दीजिए। और अब ये देखिए जो बैकग्राउंड है, हम इसको मूव करा के देखते हैं, ये अपनी जगह स्टेबल हो गया है, पेन एंड जूम इफेक्ट ऑफ हो गया। आप इसको जहाँ तक लेकर जाना चाहें वहाँ तक लेकर जा सकते हैं, जितनी लंबी आपकी वीडियो। अगर सेम बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप लेयर के बटन पर क्लिक करके जाना है वीडियोस में, और यहाँ से इंसर्ट करानी है वो वाली वीडियो जिसको कि हमने ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके रखा है। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस लेयर, सेकेंड जो लेयर है उसमें इंसर्ट कराना है। और इस वीडियो को जो पार्ट आप रिमूव करना चाहते हैं, सिंपली उस पॉइंट पर जाइए, पेंसिल पर क्लिक कीजिए और स्प्लिट करके उस पार्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा, और जो बची हुई वीडियोस को उठाकर आप स्टार्टिंग में ले आइए। और आपको अब क्या करना है, इस वीडियो को कॉर्नर से पकड़ के पूरी स्क्रीन पर कवर करते हुए खींचना है। और अब आप जो आपकी ये वीडियो है जहाँ पर भी आप सेट करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, जहाँ पर एडजस्ट करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। अब फिर पेंसिल पर क्लिक करके क्रोमा की फंक्शन पर आपको क्लिक करना है सिंपली। अब यहाँ पर एक कलर वाली पेंसिल आ रही है, इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर देखिए आपको मैं सबसे लाइट वाले एरिया में क्लिक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर फिर भी कुछ ग्रीन कलर रह जा रहा है, तो आप इसको सिंपली कलर रेंज से कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली पेंसिल पर क्लिक कीजिए, कलर वाली जो पेंसिल आ रही है, और आपको उस जगह पर क्लिक करना है जहाँ पर डार्केस्ट ग्रीन कलर आ रहा है। ये देखिए मेरे शोल्डर के पास जो ग्रीन कलर था वहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो ये एक बार में ही पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो गया है, और आपको वीडियो प्ले कर देनी है। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए फ्रेंड्स, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि जब आप ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको लाइट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर लाइट इक्वल है तो आपको एडिटिंग में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा वीडियो को एडिट करना। और जब आपका ये जो बैकग्राउंड, जो बैक ग्रीन कलर की स्क्रीन है वो हट जाती है, तो आप वीडियो को जैसे चाहे एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पर आप लेकर जाना चाहे। आप कुछ इंट्रो दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, और साइड में अपनी वीडियोस को लेकर जा सकते हैं। इस तरह से आप कॉर्नर में अपनी वीडियो को लगा सकते हो, और मेन जो स्क्रीन है वहाँ पर अपना मेन कंटेंट को ला सकते हैं इस बैकग्राउंड की जगह। वैसे तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक ही बैकग्राउंड लगाइए, लेकिन अगर आप मल्टीपल बैकग्राउंड्स लगाना चाहते हैं तो आप जो बैकग्राउंड था उसको आधा स्प्लिट करके डिलीट कर सकते हैं। और मेन लाइन में आपको क्या करना है, फिर से फ़ोटोज़ में जाना है,
और वहाँ पर जितने भी आपके बैकग्राउंड्स हैं, जो जो आप ऐड करना चाहते हैं अपनी वीडियो में, उसको इंसर्ट करा लीजिए। इंसर्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप जस्ट होल्ड कीजिए उस फोटो पर, क्लिक करके होल्ड कीजिए और उसको उठाकर आप यहाँ पर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स मैंने ले लिए हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो बैकग्राउंड है उनमें पेन एंड जूम इफेक्ट अभी भी ऑन है, तो उसके लिए आपको पेंसिल पर क्लिक करना है, पेन एंड जूम पर जाएंगे और यहाँ से नो इफेक्ट करके ओके कर देना है। वन बाय वन भी करके आप सभी बैकग्राउंड्स को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कोई भी एक सिलेक्ट करके अप्लाई टू ऑल कीजिए, सभी जो बैकग्राउंड्स हैं उनसे ये इफेक्ट ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो बैकग्राउंड्स हैं वो अपनी ओरिजिनल रेजोल्यूशन में आ जाएंगे। मतलब अगर छोटा बैकग्राउंड है तो वो उसी में आ जाएगा। उसके लिए आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिए, पेंसिल पर जाइए, वहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और मैनुअली दोनों फिंगर से इस बैकग्राउंड को जूम इन कर दीजिए और वीडियो प्ले कीजिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो अपने फुल साइज़ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये काम वन बाय वन करके एक एक वीडियो में करना पड़ेगा। तो अब आपका जो वीडियो है आप उसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, सेंटर पे आप देखना चाहें, मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वीडियो जो है दिखाई दे रहा है विद न्यू बैकग्राउंड्स। और ये देखिए आप जो बैकग्राउंड्स है वो अलग अलग शेप में आ रहे हैं, तो आपको वन बाय वन करके सभी बैकग्राउंड्स को रिसाइज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में देखते हैं सबसे छोटा जो बैकग्राउंड है वो ये ग्रीन कलर वाला है, तो हम इसको जूम इन करके दिखाएंगे। आपको सिंपली वो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, उस पर क्लिक कीजिए और अब पेंसिल में जाइए, पेंसिल पर क्लिक करके आपको क्रॉप में जाना है और मैनुअली दो फिंगर से इसको जूम इन करना है और यहाँ से वीडियो को प्ले कर देना है। तो देखिए आपका जो बैकग्राउंड था जो पहले छोटा आ रहा था वो अब पूरी स्क्रीन पर ये बैकग्राउंड आ रहा है। इसी तरह से आप सारे बैकग्राउंड्स को सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी वीडियो में सिर्फ एक बैकग्राउंड को लगाएं, वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा आपकी वीडियो को। तो फ्रेंड्स जितनी भी वीडियो आपको चाहिए आप उतनी रख लीजिए, जो एक्स्ट्रा का पार्ट है उसको रिमूव करने के लिए आप वीडियो सेलेक्ट कीजिए, पेंसिल पर क्लिक करके स्प्लिट करके उस जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देना है। और यहाँ पर ये मेरी वीडियो रेडी है और मैं इसको अपनी इंटरनल स्टोरेज में एक्सपोर्ट कर लूँगा, 720 पिक्सल 30 fps पर मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। आप क्वालिटी अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं और ये जितनी स्पीड से एक्सपोर्ट हो रहा है उतनी स्पीड से एक्चुअली होता नहीं है, मैं आपको 4x स्पीड पर ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर वीडियो रेडी है, डन करेंगे और बाहर आकर अपने मोबाइल की गैलरी में दिखाता हूँ वीडियो क्लिक करके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वीडियो जो एक्सपोर्ट हुआ है वो एकदम सही चल रहा है, और इसमें थोड़ी सी जो मेरे को कमी लग रही है वो यही है कि जो हमारे बैकग्राउंड्स है वो छोटे बड़े आ रहे हैं, तो आपको उसको मैन्युअली वन बाय वन करके करेक्ट करना पड़ेगा। बेटर ये रहेगा कि आप एक ही जो बैकग्राउंड है उसको लगाएं। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जो ये बैकग्राउंड्स हैं ये आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप जो भी मोबाइल या फिर डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं आपको उसके सर्च इंजन में जाना है और वहाँ पर पिक्साबे लिखकर उसको सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा pixabay.com, तो आपको इस पर क्लिक करना है या फिर आप डायरेक्टली pixabay.com पर भी जा सकते हैं। इस साइट पर जाने पर आपको जो यूज़र इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका जो सर्च डायलॉग बॉक्स है उसमें आप वॉल टाइप कीजिए और सर्च कीजिएगा और यहाँ पर तमाम बैकग्राउंड्स 33,000 प्लस मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। बैकग्राउंड्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये वॉल्स हैं, तो आप कोई भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये जो ब्रिक्स वाला है इस पर लॉन्ग प्रेस नहीं करना है, सिंगल क्लिक आपको करना है, तो कुछ इस तरह से आपकी जो विंडो है वो खुल जाएगी। और इसमें नीचे आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है फ्री फॉर कमर्शियल यूज़ एंड नो एट्रीब्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब कि आप इसको कमर्शियल यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए कोई एट्रीब्यूशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर आप फ्री डाउनलोड टैब पर क्लिक करके कोई भी रेजोल्यूशन में इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे ये साइट जो है वो एक कंफर्मेशन मांगेगी दैट आई एम नॉट अ रोबोट, तो उसके लिए ये मेरे को जो ऑप्शन दे रहा है वो ट्रैक्टर्स का दे रहा है, तो मेरे को इस स्क्रीन पर जितने भी ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके वेरीफाई करना होगा और ये वेरीफाई कर दिया और यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड हो चुका है डाउनलोड। आप भी इस तरह से बैकग्राउंड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है इस वीडियो को लेकर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आसान है, आपकी स्क्रीन पर आ रहे सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और पास ही में आ रहे बेल आइकन को भी आप प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलूंगा अगली अपनी किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय एंड टेक केयर।